तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल डू ऑर्गेनिक पारासर में, जहाँ पर मिलती हैं आपको जैविक खेती से संबंधित सभी वीडियोस। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही अहम है दोस्तों, इसको सबको देखना चाहिए। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपको टमाटर की एक अहम बीमारी जो कि शुरुआत में लगती है, जिससे उत्पादन लगभग आधा हो जाता है टमाटर का, उसका उपचार बताने वाला हूँ दोस्तों, उसके बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को ज़रूर देखना आप। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर का फंगस या डैम्पिंग ऑफ टमाटर, जो दोस्तों एक अहम बीमारी है जो शुरुआत में सबसे पहले टमाटर में लगती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फंगस बीमारी क्यों लगती है टमाटर में, इसका कारण क्या है। दोस्तों, इसका कारण होता है हम जो बीज बोते हैं उसमें पैथोजेंस के कारण दोस्तों, अनियमित वितरण के कारण दोस्तों ये बीमारी होती है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि पहले से इसके फंजाई वाले डिसीज़ हमारी सॉइल में रहते हैं दोस्तों, हमारी मिट्टी में रहती हैं, इसलिए ये वाली डिसीज़ बहुत जल्दी टमाटर में फैलती है दोस्तों। इसका उपचार मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को ज़रूर देखना शुरू से एंड तक दोस्तों, बिल्कुल इसको मत करना दोस्तों, बीच में वीडियो मत छोड़ना आप। दोस्तों, मैं इस डिसीज़ का, इस बीमारी का आपको जैविक और रासायनिक दोनों प्रकार का उपचार बताऊंगा, आपका जो मन करे उसको यूज करें दोस्तों। वैसे तो मेरा कहना है कि आप जैविक यूज करें, क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा आपको और एकदम काम करेगा दोस्तों, 100% काम करेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जैविक प्रक्रिया, जैविक उपाय किस प्रकार कर सकते हैं हम इसका। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप जो भी बीज यूज़ करते हैं उनका पहले आपको निरीक्षण करना होगा दोस्तों। बीजों को निरीक्षित करने का मैं आपको वीडियो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों, आपको जहाँ पर भी नर्सरी करना है उसको जोत के, अच्छी तरह जोत के, उसमें एक दिन बाद आपको बर्मी कंपोस्ट का यूज करना है दोस्तों, बर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद का यूज करना है। इससे क्या है, आपकी सॉइल में प्राकृतिक तत्वों का समावेशन हो जाएगा दोस्तों, इससे आपकी उसमें ज़्यादातर बीमारियां उत्पन्न नहीं होंगी सॉइल से दोस्तों। इस प्रकार की प्रक्रिया से दोस्तों आपकी फसल में डिसीज़ या रोगों का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको लगता है कि आपकी टमाटर की फसल में डैम्पिंग ऑफ या टमाटर का फंगस लगने वाला है, तो दोस्तों इसके लिए आपको रामबाण उपाय दोस्तों, आपको इसमें नीम का तेल का स्प्रे करना है, दो बार करना है दोस्तों, 3 दिन के अंतराल में। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास नीम की निवोली हो दोस्तों, तो उसका भी बेस्ट रहेगा, उसका पेस्ट बनाकर आपको अपनी फसल में 2 या 3 बार स्प्रे करना है दोस्तों। ये बिल्कुल रामबाण उपाय है, बिल्कुल सही हो जाएंगी आपका फसल जो भी है, उसमें फंगस नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो।